हरियाणा में पुराने जमाने में जहां कई दिनों से मेले का इंतजार करते थे और खरीदारी कर मस्ती करते थे, वहीं मेले की पुरानी संस्कृति में अब पश्चिमी सभ्यता में भी सेंध लगा दी है। सामाजिक परिवेश पर असर पड़ने के साथ कई और परिवर्तन नजर आने लगे हैं। चकाचौंध का असर मेले पर भी पड़ने लगा है और धीरे धीरे नई पीढ़ी मेले से दूर हो रही है। ऐसे में पुरानी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। मेले और पिछले कुछ सालों के मेले में बहुत फर्क हो चुका है और अब शौक नहीं चढ़ता है। पहले शौक चढ़ता था और अब मार्केट में सभी चीज़ें उपलब्ध हो चुकी हैं। अब मेले पहले 5-7 दिन पहले तैयारियां करते थे कि मेले में जाएंगे और अब तो बिल्कुल ही चा खत्म हो गया है सबका। हाँ जी, मेले भी कम होते जा रहे हैं और वैसे भी किसी चीज़ की वैल्यू भी नहीं रही है अब, इसलिए अब आने का मन भी नहीं करता है। और जहाँ भी देखो भीड़ भड़ाका और आवारागर्दियाँ चलती रहती हैं और मेलों की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। हम जी पहले अच्छा चढ़िया करता 10-15 दिन पहले, अरीब तो इस अच्छा कौन जी, इब तो दुकान अब सारी चीज मिले हैं जी, इब तो रोज के चा हो गए जी। पहले तो जी चा चढ़िया कर दे, मेले में जावांगे या चीज ले आवांगे वह ले आवांगे, खूब चा चढ़िया कर दा। तो ईब का मेला मेरे पहले मेला में कितना फर्क मानो? ईब तो घना दिन रात का फर्क है जी, बहुत ज्यादा फर्क है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। इसी प्रकार की खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।